किलो होंगे या सवा किलो होंगे, ये एप्पल मैंने निकाले हैं, साथ नाइफ रखी है, और इसमें जो यूज होना है उसमें होना है जर्दे कराने, जो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, देख लें आपको आ रहा है, चले आ जाएगा नजर, ये लग रही है शीशी, हाँ ये जर्दे का रंग है, सही। तो ये है थोड़ी आईसेट का मसला है ना, बस बिल्कुल देखे प्रेस हो के आ गए, इनके ऊपर छिलाई हो गई है और बिल्कुल न्यू हो गए हैं, ये देखे, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल इतनी खुशबू है ना, यकीन करें अगर गेट से हम बाहर भी जाते हैं ना तो सब कह रहे हैं कि आपके घर में बहुत खुशबू है, दियार और टाली की। हमारा जैम एप्पल का तैयार हो गया है, यकीन करें आपको इसमें इतनी प्यारी खुशबू है, उस जैम को आप कभी भी नहीं लेंगे, आपको स्मेल आएगी उसमें से जब ये आप खुद बनाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। कल मैं जैसा कि हम टिम्बर मार्केट गए, वहाँ से लकड़ी लेकर गए, दियार की भी थी ताले की भी थी, तो उसकी चिराई हमने कराई। तो जब मैं वापस घर आई तो बहुत थक चुके थे, यकीन करें बहुत थक चुके थे, इतना काम, इतना सारा दिन उनके सर पे रहना, क्योंकि अगर आप उनके सर पे छोड़ोगे तो आपकी चीज़ वापस नहीं आएगी, आपको आधी से भी कम लकड़ी देंगे और वो तैयार और टाली भी नहीं होगी, कील या कोई जामन की या हल्की लकड़ी दे देंगे, वो बहुत आपको पता है ना हेर फेर करते हैं, सुनारा अपने सगे बाप का भी नहीं होता, तो वही बात है कि ये बड़ी हेर फेर हो जाता है। तो सारा दिन ड्यूटी थी हमें, शाम हो गई, शाम को फिर मैं उसके आगे व्लॉग जारी नहीं रख सकी थी, मैं बहुत खुद भी थक चुकी थी, तो मैंने कहा था कि घर आके आपको लकड़ी भी दिखाऊंगी, वो भी ना दिखा सके, और ऐसा हुआ कि जब ये मुझे फीवर हो गया थकावट की वजह से, फिर जैसे ही सुबह हुई तो मेरे से नहीं उठा गया और मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो देखें अब ये रात हो चुकी है, आज संडे था और रात हो चुकी है, लेकिन अब मैंने कहा मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करूँ, और तो आज मैं अपने व्लॉग में आपको दियार दिखाऊंगी, जो मैंने दियार कल कराई थी तो कितनी न्यू हो गई है, और उसके ऊपर से जो कचरा भी उतरा है ना वो भी हम ले आए हैं, क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं है, तो सर्दियों में अंगीठी वगैरह चलाने सेकने में भी काम आ सकता है, तो वो देखेंगे उसका हम क्या करेंगे। और साथ है मैं आज एप्पल का इंस्टेंट जैम बनाने का तरीका बताऊँगी, उसे मुरब्बा कह लें, जैम कह लें, जो कह लें सेब का, बहुत एप्पल का बहुत अच्छा बनता है, वो भी आजकल के सेब का, जो गाजा सेब आया हुआ छोटा छोटा सा, वो नहीं जो आगे फोगला बड़ा सेब आता है जिसे कालू सेब कहते हैं, वो टाइप का नहीं सेब, ये वाला सेब। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा, मुझे लाइक ज़रूर कर दिया करें, एक लाइक से मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मोटिवेट भी होता है बंदा उस, और अच्छा लगता है कि ना इस एक एनर्जी आती है कि हाँ लाइक कर रहे हैं लोग। तो प्लीज़ हम दोनों ब्लाइंड हैं, मैं हाफ ब्लाइंड हूँ, मेरे हस्बैंड फुल ब्लाइंड है, तो बड़ा मुश्किल है अपनी लाइफ को लेके चलना, चाहे इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत स्लो और आराम से बात करता हो, जब हम वीडियो पे आते हैं तो हमने अपनी एनर्जी अपनी पावर से बात करनी होती है, अगर बिल्कुल स्लो बात करें तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए पावर के साथ करते हैं, अपनी दिल नहीं तोड़ती, मायूसी कुफ्र है, मायूसी नहीं रखती, एक उम्मीद के साथ कि मेरा चैनल चलेगा और हमें भी रोज़गार एक अच्छी इनकम आएगी। 3 साल से काम कर रही हूँ, 3 साल पहले भी मेरा चैनल था लेकिन वो नहीं, किसी न किसी वजूहत से, फैमिली प्रेशर से डिलीट हुआ, कभी बंद हुआ, स्ट्राइकें पड़ी, बड़ा कुछ करने के बाद अब ये 3 साल से चैनल है। आप अंदाज़ा करें कि कब से मैं लगी हुई हूँ, कभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आगे अब वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो अब मैं आपको दियार दिखाती हूँ, बैक कैमरा ऑन करके, हाथ में पकड़ के कैमरे से नहीं बनती, तो मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ। जी व्यूअर्स, जो मैंने एप्पल का जैम बनाने लगी हूँ, ये एक देखी लिया है मैंने और ये खाली है अभी, और ये मैंने एप्पल लिए हैं, मैंने कल 2 किलो एप्पल लिए थे, तो अपने अंदाजे से मैंने किलो होंगे या सवा किलो होंगे ये एप्पल मैंने निकाले हैं, साथ नाइफ रखी है, और इसमें जो यूज़ होना है उसमें होना है जर्दे का रंग, जो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, देख लें आपको आ रहा है, चले आ जाएगा नज़र, ये लग रही है शीशी, हाँ ये जर्दे का रंग है, सही। तो ये है थोड़ी आईसेट का मसला है ना, बस वीडियोस भी बना ही लेती हूँ। और ये चीनी, सिर्फ ना एप्पल का जो जैम है, ये चीनी बाल्टी में रखी है, एप्पल का जैम में चीनी, जर्दे का रंग और एप्पल, बस ये चीज़ें डलती हैं, तो मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टा 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 टा, ये जहांगीर खड़े हैं और नमाज पढ़ने लगे हैं,
ये देखें। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले आप नमाज पढ़ें, मैं इनको वोट दिखाती हूँ। ये देखें, ये है, अब देखें इनकी शेप बदल गई है ना। आप बताइएगा कमेंट में, आपने बताना है कि पहले और अब में फ़र्क लगा है आपको। बिल्कुल देखें प्रेस हो के आ गए, इनके ऊपर छिलाई हो गई है और बिल्कुल न्यू हो गए हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। और इतनी खुशबू है ना, यकीन करें अगर गेट से हम बाहर भी जाते हैं ना तो सब कह रहे हैं कि आपके घर में बहुत खुशबू है, दियार और टाली की इतनी प्यारी खुशबू है कि मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे मैंने गंदम धोई है, आज मासी आई है उसे धुलवाई है, क्योंकि पिछले दिनों जो मैंने गंदम धोई है ना उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कपड़ा दिया हुआ क्योंकि रात है ना, इसके ऊपर कीड़े मकोड़े ना, क्योंकि गंदम में ना कीड़ा भी पड़ गया इस दफ़ा, तो धोई है, अच्छी तरह साफ़ कराई है। तो अब इधर डली हुई है, सुबह इसे धूप में डालेंगे। तो अब ये देखें जो हमने छिलाई कराई है ना, ये देखें, ये तो लकड़ी है ना जिसपे दरवाजे या जो भी बनाएंगे हम, ये है। बाकी ये छिलाई जो हुई है ना वो भी घर ले आए, तो जब सर्दी होगी तो ये हमारे काम आएगी। ये देखें सारा वो जो सीढ़ियों वाली जगह है ना ये भरी खड़ी है, ये देखें ये छिलाई वाली फटियाँ सारी इधर पड़ी हुई हैं। और ये देखें यहाँ भी सारी पड़ी हुई हैं ये छिलाई वाली, इसमें कुछ टुकड़े मोटे मोटे होंगे, वो कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी। और ये जो बहुत पतले हैं जैसे ना आम की पेटियाँ होती हैं उस जैसे हैं, तो उनको हम जलाने में यूज़ कर लेंगे, जैसे बिल्कुल पतली पतली सी होंगी। तो अब ये जो यूज़ करेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये माशाल्लाह ऐसी खुशबूदार और प्लेन होके नीट होके ये लकड़ी आ गई है, उन्होंने चारों तरफ से इसको नीट किया है। आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो टिम्बर मार्केट में गए थे, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हम तो वहाँ पे मैं ना माइक लेके जाना भूल गई, तो इसलिए वहाँ पे वॉल्यूम का थोड़ा मसला भी रह गया मुझे, मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आता, तो इसलिए थोड़ी मुझे मसला होता है। तो अब मैं एप्पल बनाने जाती हूँ। इशा की अजानें आ रही हैं, इशा की अजानें आ रही हैं। और ये देखें जहांगीर हैं, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं इशा की, और मैं नमाज भी पढ़ती हूँ और एप्पल का काम भी करती हूँ। तो ये देखें अब एप्पल को छीलती हूँ, तो अब मैं फ़ोन चार्ज पे भी लगाती हूँ। अब ये मैंने काट लिए हैं, छिलके उतार के चार पीस किए हैं और अंदर से बीज निकाल के मैंने बास्केट में डाल दिए हैं। अब है इसे मैं थोड़ा सा पानी से वाश करके इसमें एक गिलास पानी डालती हूँ और इस चूल्हे पे रखती हूँ। और जैसे इससे बॉयल आएगा, क्योंकि यह होते ही नरम है, इसमें चीनी डाल के जरदे का रंग डाल दूंगी। इंस्टेंट एप्पल जैम इस पर कुछ नहीं डलता, ना इसमें इलायची डलती है, ना इसमें गरी डालो, कुछ भी ना डालो। सिर्फ आपने इस पर पानी, चीनी और जरदे का रंग और ये सेब है, एप्पल है, और कुछ भी नहीं है। इंस्टेंट एप्पल जैम ये बहुत मज़े का बनेगा, तो आपको मैं दिखाती हूँ बना के। मैंने दो गिलास इसमें पानी डाले थे, अब मैं नमाज पढ़ गई शाह की आई हूँ, और देखें इसमें दो गिलास मैंने पानी डाले। अब इसमें प्लेट हटाती हूँ, इसे बॉयल आ रहे हैं, तो हम एप्पल का जैम बना रहे हैं। बहुत है ये, भाई बहने कोई भी बंदा बना सकता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक सेब के छिलके उतारो, चार कट लगाओ, और एक किलो के करीब ये सेब है। ये देखें इसको बॉयल आ रहे हैं। अब देखें यहाँ मैंने ये जर्दे का रंग रखा हुआ है, ये देखें जर्दे का कलर है, ये देखें अभी इसका कलर जैसे है ना, ये करीबी सा कलर है ना, जब इसमें जर्दे का रंग डालेंगे तो कुछ और शक्ल आएगी इसकी। ये हो गया, उसके अलावा ये गिलास है, और हम चीनी ले लेते हैं। ये देखें एक गिलास मैंने चीनी लिया, तकरीबन आधा किलो के करीब होगा, ये मैंने चीनी डाल दी। फिर और चीनी ले लेते हैं, इसमें से चीनी ले ली है, ये बाल्टी में चीनी है, मैं कहती हूँ ये देखें ये तकरीबन पौना किलो डलेगी ना, किलो मुरब्बे में पौना किलो डलेगी, वरना किलो के साथ किलो कहते हैं, लेकिन छिलके भी तो उतरे हैं ना, थोड़ी सी बचा ली है मैंने, वापस डाल देती हूँ। तो मैंने डेढ़ गिलास डाल सकते हैं। अब देखें इसमें मैंने कलर डाला है, कलर फैल रहा है माशाल्लाह, कलर से बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले मैंने सोचा हलवे में ना ग्रीन कलर डाल के बनाती हूँ, ये 14 अगस्त है, मैं दिल इतना वो हुआ, मैंने कहा मैं खा ही नहीं सकूंगी, मैंने कहा चीज़ ज़ाया तो ना होना। अब देखो कलर कितना खूबसूरत है, अब बस इसने है ना
चीनी ने जरा गाढ़ा करना है सेब को और ये बन जाना है बस। ये देखें इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे पकता है बस, और कुछ भी नहीं डालना, इसने पक जाना है इसी में ही। इसमें चीनी डाली है, जरदे का रंग, सेब और पानी, और कुछ भी नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब ये जब बन अब इस बॉयल आ जाएंगे, इसको हल्की आंच पे रखती हूँ और ढांक के रखती हूँ, थोड़ा सा किनारा खुला रखूंगी और फिर हम देखेंगे। जी व्यूवर्स, अब इसमें 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देखें माशाल्लाह, इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ये शीरा भी बन गया हुआ है। इसका ये मुरब्बा कह लें, इसे मुरब्बा कह लें या इसे आप एप्पल जैम कह लें, ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। अगर हम इसमें कलर जरते का ना डालते तो ऐसे वाइट वाइट क्रीमी सा होता तो वो खूबसूरत नहीं लगता। दिखना आपका है ना, प्रेजेंटेशन वो अच्छी हो ना तो आपको चीज़ पसंद आ जाती है और आप खा लेते हो। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, ज़्यादातर हम सुबह पराठा बना कर उसके साथ मुरब्बा, जैसे फारसों का खाया, आम का बनाया। अब इसकी मौसम है सेब की, तो सेब का खाएंगे, इसके बाद गाजर की आएगी तो गाजर का सुबह अक्सर नाश्ते में खाते हैं हम। तो मैं ये देखें, ये देखें अभी देखो तैयार हो चुका है। ये देखें कि नीचे पानी भी ऐसे बिल्कुल ऐसे इसका ना वो है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक गिलास पानी, एक किलो सेब डाला था, उसके बीच निकाल के चार स्लाइस हर सेब के कर लिए थे, एक किलो सेब और तीन पाव चीनी, एक गिलास पानी और जरदे का कलर, और कुछ भी नहीं था। 15-20 मिनट रखा और उसके बाद ये तैयार हो गया है। आप देखें बहुत खूबसूरत है। देख ये देखिए, आप इसका चूल्हा मैं बंद करने लगी हूँ, बिल्कुल रोस्टेड होता जा रहा है। ये देखिए, बस इसको आपने ठंडा करना है, एयर टाइट, ठंडा हो जाए एयर टाइट बर्तन में रख के, और ये फ्रिज में रख दीजिएगा। जिस टाइम भी आपका दिल करे ब्रेड के ऊपर लगा के खाने को, या ब्रेड के ऊपर लगा के खाएं, पराठे के ऊपर रख के खाएं, कुछ रोटी के ऊपर रख के खाएं, किसी भी तरीके से आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। यकीन करें, जो बाहर जैम लेते हैं वो सिर्फ चीनी होती है, चीनी होती है और एसेंस होते हैं, खुशबू होती है, और उसमें कोई पावर नहीं होती। इसमें आपने देखा कि प्योर सेब डाले हैं, चीनी डाली है, पानी डाला है, इसमें कोई इलायची, कोई गरी, कोई नट्स नहीं डाले, और ये हमारा जैम एप्पल का तैयार हो गया है। यकीन करें आपको इसमें इतनी प्यारी खुशबू है, उस जैम को आप कभी भी नहीं लेंगे, आपको स्मेल आएगी उसमें से जब ये आप खुद बनाएंगे, और बहुत बहुत सस्ता है। अब ये देखें ना, इसमें 4-5 जैम की डबियाँ बन जाएंगी। अब आप अंदाज़ा कर लें, एक सेब, एक किलो सेब और तीन पाव चीनी और जरदे का रंग कितने को पैसों का आ जाता है। इसमें 4 मेरे ख्याल में फुल जैम की डबियाँ बन जाएंगी। तो ज़रूर आप बना के देखिएगा और खा के देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर, शेयर करें, और मेरा वॉच टाइम बहुत कम है तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर आपको ये जैम की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छी लगी है, या कुछ आप राय देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मारिया खालिद ऑफिशियल आपसे अपने यूट्यूब चैनल से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।